नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसीएक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो क्रैब एक हमारी नई एप्लीकेशन है दोस्तों, जो हमने लॉन्च करी है। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको और साथ ही साथ आपको आप ब्राउज़र से भी, गूगल क्रोम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से किसी से भी ट्रेडिंग करना चाहें या फिर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करना चाहें तो आप algocrab.com पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप एल्गो क्रैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो लोग पूछते हैं अक्सर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, या लोगों को पता नहीं होता एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ये सब चीज़ें। उन विषयों में हम दोस्तों आज बात करेंगे, उन मैटर्स पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं ट्रेडर्स के एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, वो क्या क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों लोगों का होता है वो यही होता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। एल्गो ट्रेडिंग दोस्तों, इसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। कोई इसको रोबो ट्रेडिंग कहता है, कोई इसको एल्गो ट्रेडिंग कहता है, कोई ऑटो ट्रेडिंग कहता है, कोई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कहता है। इन सब चीज़ों के मतलब एक ही निकलते हैं दोस्तों, यानी कि अपने आप होने वाली ट्रेडिंग को एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी कि जिसमें अपने आप आपका ट्रेड हो रहा है, आपने कुछ फिक्स पैरामीटर, कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशंस, कुछ चीज़ें लगाई हैं, उनके हिसाब से आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एवेटेज रखने वाली एक और चीज़ जिस नाम से हम इसको पुकार सकते हैं दोस्तों, वो है इमोशनलेस ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, इमोशनलेस ट्रेडिंग का मतलब होता है कि इस ट्रेडिंग में जिस ट्रेडिंग में कोई इमोशंस ना हो, और जैसे कि आपने कोई प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर दिया, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या टारगेट मार्केट में लग जाए, बिल्कुल भी वहाँ पर जैसे हम इमोशंस जो होते हैं हमारे, जैसे कई बार हम ट्रेडिंग करते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ बाय या सेल कर लेते हैं और वो हमारे अगेंस्ट चल रही होती है, यानी कि प्राइस हमारे अगेंस्ट चल रहा है। लेट सपोज आपने SBI का शेयर बाय कर लिया 200 रुपये पे और वो अभी आके नीचे डाउन आके 190 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं हम, उस वक्त हम क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये 190 पे आ गया है, अब एटलीस्ट 200 पे जहाँ हमने खरीदा वहाँ तो आ जाए, कम से कम प्रॉफिट ना मिले तो लॉस भी ना हो, ऐसी किसी सिचुएशन पे हम उस निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रही है, अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो वो क्या करती है, वो नीचे जाती जाती है और उस एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपका 20-30% या कभी कभी 40-50% लॉस हो जाता है। इतना लॉस होने के बाद बचता ही नहीं कुछ कि हम अगला ट्रेड कर पाएँ उस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर। तो वो इमोशंस जो है वो हमारे पे हावी हो जाते हैं और उन इमोशंस के चलते हम अपना 30-40% कैपिटल का नुकसान कर बैठते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। एल्गो ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इमोशनलेस ट्रेडिंग, यानी कि इसमें कोई इमोशंस नहीं है। आपने सेट किया कि भाई 0.5% का स्टॉप लॉस या 0.5% का टारगेट लगे और मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए, तो वो चीज़ स्ट्रिक्ट रहेगी। 0.5% का स्टॉप लॉस या टारगेट लग के आपका ट्रेड निकल जाएगा। इन एनी केस मान लो आपका स्टॉप लॉस लगता है तो 0.5% का लॉस हुआ, यानी कि अगर लगातार आपका 200 बार स्टॉप लॉस होता है तो आपका पूरा कैपिटल लॉस होगा। और ये चीज़ दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि इतनी बार लगातार आपका लॉस हो जाए। एक्यूरेसी जो निकल के आती है स्ट्रेटजीज में, कोई भी स्ट्रेटजी आप 3-6 महीने के होराइजन में अगर यूज़ करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास तक निकल जाती है दोस्तों। यानी कि 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 3 ट्रेड में लॉस होगा। अब इस तरीके से आप अगर एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट, आपको देखना नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपना जो भी अपना जॉब वर्क, जो भी व्हाटएवर आप कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं आराम से। आप सुबह आप उसको चला के छोड़ दीजिए और शाम को वो अपने आप आपको रिजल्ट देके आपके सामने बता देगा, जो भी आपने सेट किया है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बिकॉज ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा या हर रोज़ आपको लॉस ही मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी 70% मतलब 10 में से 7 दिन तो प्रॉफिट होगा, 3 दिन लॉस होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों जो लोगों का होता है, जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, वो ये है कि क्या एल्गो ट्रेडिंग पॉसिबल है मेरे ब्रोकर के साथ, क्या मेरा ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर चेक करना होगा कि वो लोग आपको एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली जो ब्रोकर्स हैं आजकल, वो APIs प्रोवाइड करते हैं, APIs के यूज़ करके एल्गो ट्रेडिंग पॉसिबल होती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि API क्या होती है। API होती है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि ब्रोकर हमें एक एक्सेस देता है, ब्रोकर हमें एक टोकन प्रोवाइड करता है, जिस टोकन का इस्तेमाल करके हम URLs हिट करते हैं और URL हिट करने से हमारा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है।
उसमें क्या होता है दोस्तों, वो 24 आवर्स का एक्सेस देते हैं हमें। आज अगर हमने ऑथेंटिकेट किया अपने आप को, तो ऑथेंटिकेट करने के बाद वो 24 आवर्स तक, यानी कि आज का जो पूरा ट्रेडिंग डे है उस डे तक वो ट्रेडिंग चलता रहेगा। अगले दिन फिर हमें आके ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यही चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म में है एल्गो क्रैब में। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन का टैब है। ऑथेंटिकेशन के टैब पर दोस्तों हमें ऑथेंटिकेट करना होता है अपने आप को डेली। हम डेली ऑथेंटिकेट करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन हमारा ट्रेडिंग जो है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो ये हो गया दोस्तों कि हमारा ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अपने उनके प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने एल्गो क्रैब में ऐड करे हैं, जैसे कि जीरोदा है, एलिस ब्लू है, और आपका बसन है, इंदिरा सिक्योरिटीज़ है, ट्रेड स्मार्ट है, और जीबू है, और सैमको है, एंजल ब्रोकिंग है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने वहाँ पर ऐड करे हैं, और इन फ्यूचर हम और भी ज़्यादा ब्रोकर जो API इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उनके साथ हम लोग अपना प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन करते हुए चले जाएंगे और आपको सुविधाएं उसकी मिलने लग जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितना कैपिटल चाहिए उसके लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपके खुद के पास है, यानी कि मान लीजिए आप को 10,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए एक महीने में, तो 10,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए आपको कितना कैपिटल रखना होगा। मार्केट से दोस्तों मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ मार्केट का। मार्केट से आपको 5% to 15% इतना ही रिटर्न मिलता है एक महीने में। इससे ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो दैट मीन्स रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। 25% आप कैपिटल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 25% लॉस के लिए भी रेडी रहना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें देखना होता है कि भाई कितना कैपिटल हमें लगा के चलना है। अगर आपको 10,000 चाहिए तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करें। एक एग्जांपल 10% के आसपास अगर आप कैपिटल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 1,00,000 का कैपिटल आपको रखना होगा अगर आपको 10,000 रुपये की इनकम चाहिए तो। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार लोग ये पूछते हैं कि मार्जिन इतना लग रहा है इसमें कितना रखें, 1,00,000 में तो ये नहीं आएगा। तो जितना भी जिस चीज़ का मार्जिन लगता है उससे कम 20% या 30% आपको एक्सेस अमाउंट रखना पड़ता है। मान लीजिए आपने पहला ही ट्रेड किया और पहले ट्रेड में नुकसान हो गया तो फिर आप अगली ट्रेड करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि अगली ट्रेड के लिए वो आपको मार्जिन शॉर्ट बता देगा और आपको ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों मार्जिन के लिए आपको खुद से डिसाइड करना, आपको एक प्लान बनाना होगा कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न सफिशियंट है आपके लिए, उसके हिसाब से आप कैपिटल वहां पर रखें। कई बार दोस्तों लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार लोग ये बोलते हैं कि 20,000-30,000-50,000 का कैपिटल लाके बोलते हैं कि हमें हर महीने 20,000 रुपये चाहिए, हमें हर महीने 30,000। वो मार्केट नहीं देती है। अगर आपके पास इतना कैपिटल है और आप सोच रहे हैं कि इतनी रिटर्न आपको मिल जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई भी प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, मैं ही नहीं और कोई भी प्रोवाइडर आपको इस तरीके की सहूलियत, इस तरीके का प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप ये सोचिए कि आपको 4,000-5,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। उससे ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन दोस्तों आप नहीं रख सकते। अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अब एक और क्वेश्चन जो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं लोग वो ये है कि आपके पास 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 में सबसे बेस्ट कौन सी है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो वहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज हैं कुछ इंट्राडे के लिए हैं, कुछ पोजिशनल के लिए हैं। कुछ इंट्राडे में अच्छा काम करती हैं, कुछ पोजिशनल में अच्छा काम करती हैं। अब कौन सी अच्छी है उसके लिए हमने वहाँ पर एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया है। वहाँ पर हमने कुछ टैब्स दिए हैं, जैसे कि हमने एक टैब दिया है परफॉर्मेंस का और एक टैब दिया हमने हीट मैप का। अगर आप हीट मैप के टैब पर जाते हैं और अगर आप सर्च करते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि इस स्ट्रैटेजी में, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कौन से सिंबल ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि उस स्ट्रैटेजी में, पर्टिकुलर सिंबल में कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और अगर आप उसके सिंबल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देगा कि इसमें टोटल कितने सिग्नल आए थे, कितने सिग्नल प्रॉफिट के रहे और कितने सिग्नल में हुआ आपको नुकसान। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाती हैं। उससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, लोगों के ना फेवरेट सिंबल्स होते हैं, वो उन्हीं में काम करते हैं, वो उन्हीं में ट्रेड करते हैं, वो उनसे अलग कभी जाते नहीं। बहुत कम केसेस होते हैं जब वो उनसे अलग जाते हैं और किसी और सिंबल में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपका कोई फेवरेट सिंबल है तो आप जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप स्ट्रैटेजीज के हीट मैप में जाइए और देखिए वहाँ पर कि आपका फेवरेट सिंबल
कहाँ पर काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी में बेस्ट काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रेटजी में बेस्ट काम कर रहा है तो आप उसमें ट्रेड कर लीजिए। तो यही था। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक मैं चूज करूँ, कैसे मैं फाइंड करूँ, तो दोस्तों इसका आंसर भी यही है कि अगर आपको कोई बेस्ट स्टॉक देखना, आपके हिसाब से कोई स्टॉक देखना, तो आप हीट मैप में जाइए या फिर परफॉर्मेंस के टैब में जाइए और वहाँ पर जाके अपने सिंबल सर्च कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपके पर्टिकुलर फेवरेट जो सिंबल है उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या वो अपनी किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन या अपने किसी फॉर्मूला के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, वो ट्रेड कर सकते हैं। हम आपको MT4 या फिर ट्रेडिंग व्यू पे कोड करके दे देंगे आपकी स्ट्रेटजी, और आप अपनी स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू या MT4 पे और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के लिए हम दोस्तों वन टाइम डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है। आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो हमें मेल करनी होती है ccare@mcxsuregain.com पर। वहाँ पर आप जब अपनी स्ट्रेटजी भेजते हैं तो हम आपको कोटेशन का मेल भेजते हैं, उसमें हम बताते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से डेवलप होगी और क्या उसके लिए चार्जेस लगेंगे। वो चार्जेस पे करने के बाद हमारा जो एल्गो क्रैब है वहाँ पर एक ब्रिज टूल है जिसमें आप MT4 बेस्ड ब्रिज या फिर ट्रेडिंग व्यू बेस्ड ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे 999 पर मंथ का चार्जेस मिल जाते हैं दोस्तों आपको, उस पर आप आराम से वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है, लोग ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म लूम है जिस प्लेटफॉर्म पे चार्टिंग अच्छी आती हो, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चार्टिंग कर सकता हूँ या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सिग्नल्स उठा के आपके प्लेटफॉर्म पे भेज सकता हूँ। तो दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यूज़ करते हो मेटा ट्रेडर, चाहे आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग व्यू, चाहे आप करते हो एमी ब्रोकर, जो भी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है HTTP रिक्वेस्ट यानी कि URL हिट करने की सर्विस को, उस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी एल्गो ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनको ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी है वो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी के लोग जो इस बारे में जानकारी नहीं रखते उनको भी पता चल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।